दिल्ली और चेन्नई में कल के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने बाजी मार ली और शिखर धवन के शानदार शतक से धोनी की सेना धर्राशाही हो गई और इसी के साथ दिल्ली ने अपने नंबर वन की कुर्सी को वापस पा लिया। वैसे दिल्ली की शुरुआत भी चेन्नई की तरह झटके के साथ ही हुई थी। जब पृथ्वी शॉ की विदाई पारी की दूसरी ही गेंद पर हो गई, तब तक दिल्ली का खाता भी नहीं खुला था। अजिंक्य रहाणे भी औपचारिकता पूरी करके चलते बने। हार्दिक पांड्या a similar shot yesterday। दिल्ली को मुश्किल हालात से निकालने की जिम्मेदारी ली कप्तान श्रेयस अय्यर और शिखर धवन की जोड़ी ने। इससे पहले कि श्रेयस खतरनाक रूप अख्तियार करते, प्रभु ने उन्हें पेविलियन लौटा दिया। हालांकि दूसरे छोर पर शिखर धवन अकेले ही लड़ते रहे, जमे रहे और रन बरसाते रहे। शुरू से आखिर तक अकेले शिखर ही दिल्ली की जीत की उम्मीद बने रहे। संघर्ष के सफर में उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया और वो भी 14 चौकों और एक छक्के के साथ। वैसे दिल्ली की जीत पर रोमांचक मुहर लगाई अक्षर पटेल ने। 5 गेंदों में 21 रन की तूफानी पारी खेलकर अक्षर ने चेन्नई की सारी हसरतों को जमीन पर लापटका। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।